ये है हैमर हेड वर्म, हथौड़े जैसे सर का कीड़ा। ये एक ऐसा मासूम जानवर है जो अगर आपको घर में दिखे तो तुरंत मार दो, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का। क्योंकि ये नॉर्मल अर्थवर्म को मारते हैं जिससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बेचारे मासूम बेगुनाह को मारना नहीं चाहिए बल्कि काट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इससे एक का डबल हो जाएगा। अगर आप इसके 10 हिस्से भी कर दोगे तो वो रीजनरेट करके 10 नए वर्म्स बन जाएंगे। इसीलिए इसे बिना छुए एक जार में बंद करके उसमें नमक या विनेगर डाल के खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है, बल्कि इसे फ्रीजर में रखना है 2-3 दिन के लिए, ये खुद ब खुद घुल जाएगा। लेकिन इतनी टेंशन कौन पालेगा, छोड़ो यार। मेरे हिसाब से तो किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारना चाहिए। कल को साइंटिस्ट की थ्योरी बदल गई तो पता चला यही सबसे इंपॉर्टेंट जानवर था वातावरण के लिए। फिर सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली पर अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी, पर कैसे? इसका राज छिपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स में, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें सांप बिल्कुल बिल्ली के मुंह के पास आ जाता है और पीछे हटने के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखती रहती है, और जैसे ही सांप अटैक करता है तो इतने से टाइम में बिल्ली पीछे हटकर चाटा भी मार देती है। क्योंकि जहां सांप का रिएक्शन टाइम 44 से 70 मिलीसेकंड्स होता है, वहीं बिल्ली का सिर्फ 20 से 70 मिलीसेकंड्स होता है। तभी तो इस बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंट था।